सो ही गाइज दिस इज ओपी और गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले एक और सोलो रैंक पुशिंग गेम प्ले। तो गाइज हम आ चुके फिर से एक और बार टॉप 500 के अंदर, अपना फिर से एक और बार कॉन्कर हो चुका है। और गाइज इस वाले मैच में भाई कितने हैकर से मेरे को नहीं पता, बट दो हैकर के साथ मेरी फाइट होने वाली है। एक हैकर से मैं बच जाता हूँ, बट दूसरा हैकर देखना कि मेरे को कैसे मारता है कवर के पीछे। और बाकी अभी के लिए यहाँ पे मैं सोच रहा था पहले कि भाई प्रीमॉस पे उतरूंगा, क्योंकि प्लेन पाथ उधर से ही आ रहा था, तो मैंने सोचा प्रीमॉस जाएंगे। बट वहाँ पे व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा कंटेस्ट होगा, मतलब बहुत सारे बंदे व्हीकल लेने आएंगे, और अगर कुछ गलत हो गया वहाँ पे सीन तो माइनस लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा वहाँ पे नहीं भाई, सीधा अपने एसनाइपी जाते, प्लेन पाथ में ही है, बहुत सारे बंदे उतरेंगे एसनाइप, बट ठीक है यार एसनाइपी क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे तुम आराम से लूट कंप्लीट कर सकते हो, छिप सकते हो, छिपना हो। बस यहाँ पे दिक्कत एक ही चीज़ का आता है, वो है कि व्हीकल तुमको ढूंढनी पड़ेगी, सिटी से बाहर निकल के तुमको ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी मेरी लूट कंप्लीट हो चुकी थी, यहाँ पे मेरे को अभी व्हीकल चाहिए थी। मैंने सोचा भाई फॉग फैला हुआ है सभी तरफ, इसी का फ़ायदा उठा कि अपन निकल जाएंगे सिटी से बाहर और रास्ते में कहीं ना कहीं अपने को व्हीकल मिल ही जाएगी, तो ये सोच के मैं यहाँ से निकल रहा। तो गाइस ये वाली जगह याद रखना, ये वाला रास्ता याद रखना, अगर तुम कभी एसनाइप पे फंसे हो तो इसी रास्ते से तुम एस्केप कर सकते हो। रास्ते में गाइस तुमको व्हीकल मिल ही जाएगी। ये रास्ते पे इस जगह पे एक स्पॉन होती है व्हीकल, एक बग्गी स्पॉन होती है, और पेट्रोल पंप पे भी व्हीकल स्पॉन होती है, और उसके पीछे की साइड भी और व्हीकल स्पॉन होती है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारी व्हीकल्स तुमको मिल जाएगी, व्हीकल की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे व्हीकल लेके मैं यहाँ पे अभी के लिए होल्ड कर रहा था, उसके बाद मैंने सोचा भाई सेंटर पोजीशन अपन होल्ड करते हैं और प्रिजन के साइड में आ जाता हूँ, और प्रिजन के ऊपर ये वाला शैक मेरे को सही लगा। अभी यहाँ पे गाइस मैंने सोचा भाई बग्गी को यहाँ पे पीछे की साइड नहीं, थोड़ा आगे की साइड कवर में लगा लेते हैं, और जैसे ही कोई बंदा अगर समझो कुछ भी रिस्क हुआ तो अपन यहाँ से निकल जाएंगे। इस तरह से मैं बग्गी को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे देखना गाइस अभी एक व्हीकल आएगी जिसका साउंड मेरे को सुनाई देता है, मिनी मैप पे उसका सिंबल भी आपको दिखाई देगा, और वो बंदा यहाँ पे रुक जाता है, एक सेफ जगह पे रुक जाता है। और यहाँ पे कोई रुकने के लिए जगह है ही नहीं गाइस, यहाँ पे कोई कवर नहीं है, कहीं पे भी बंदा रुक नहीं सकता, बट वो बंदा यहाँ पे गाड़ी रोक लेता है। और यहाँ पे मेरे को हुआ थोड़ा सा डाउट, और मैंने सोचा भाई रिस्क है, यहाँ से अपन निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पे इतना फॉग फैला हुआ है कि भाई सामने का रास्ता ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, आप देख सकते हो। बट इसी फॉग में भाई बंदा मेरे ऊपर डीपी का स्प्रे लेता है, और मेरी 60-65% एचपी ख़त्म हो जाती है। समझो अगर वहाँ पे मैं थोड़ी देर लेट करता या फिर बग्गी स्लोली घुमाता तो अभी तक तो मैं ख़त्म हो जाता, बट यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। यहाँ से मैंने सोचा भाई मेरे को रुकना ही नहीं है कहीं पे, यहाँ से मेरे को जितना हो सके उतना दूर जाना है, क्योंकि बंदे के पास ESP लोकेशन है कि वो फिर से मेरे पीछे आएगा और मेरे को मार सकता है, इसलिए मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे को कैसे पता चलेगा कि उसके पास ESP या फिर लोकेशन है कि, क्योंकि एक तो जगह ओपन थी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो वो बंदा वहाँ पे क्यों रुका, क्योंकि उसको पता है कि मैं शैक के अंदर बैठा हूँ, वो मेरे क्लोज आएगा और मेरे शैक के अंदर एक नेट डालेगा, और मैं उसको स्पॉट कर ही नहीं पाऊँगा फॉग की वजह से, और वो बंदा आराम से मेरे को ख़त्म करेगा। इसी वजह से मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, और अभी के लिए ये वाले शैक पे मैं थोड़ी देर होल्ड किया, और वहाँ से मैं इस वाले स्नाइपर टावर पे आ जाता, और यहाँ पे कोई बंदा था नहीं, और जोन के अंदर ये पोजीशन थी, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक होल्ड किया। तो गाइस यहाँ पे मैं जस्ट होल्ड कर ही रहा था कि तभी मेरे को एक बग्गी की साउंड सुनाई देती है। तो यहाँ पे एक इजी किल मिल जाता है, बंदा भाई कुछ देखता नहीं कुछ नहीं, सीधा आ जाता है, और इसको हमने फिनिश कर दिया। अभी सामने के साइड जहाँ पे मैं देख रहा हूँ गाइस वहाँ पे भी बंदे थे, अभी यहाँ से एक बंदा निकलने की कोशिश कर, और देखना तो यहाँ पे शायद से गाइस एक बुलेट चाहिए थी बंदे को, बट यहाँ पे बंदा बच जाता है। पीछे की तरफ बंदे थे गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा था कि भाई पीछे की तरफ से ओपन है और बंदा कोई मेरे ऊपर फायर ले सकता है। देख सकते हो यहाँ पे एक बग्गी दिखाई दी होगी आपको, तो ये बंदे ने जस्ट पीछे से फायर लिया था, इसलिए मैं थोड़ा डर डर के स्प्रे लिया, बट बंदा काफ़ी लो था, बट वो निकल जाता है। उसके बाद मैंने सोचा अपने को भी रोटेशन करना है, अपन भी निकलते हैं, और देखना यहाँ पे हम अभी यहाँ से मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे भाई दोनों बंदे के लिए बहुत बहुत मतलब बहुत दिल से बुरा लगा, क्योंकि भाई दो बंदे फाइट कर रहे थे और हमने एक थर्ड पार्टी के अच्छे से और एक किल यहाँ पे आराम से अपन ने निकाल लिया। ये ऐसा सीन गाइस कल मेरे साथ हुआ है, कल का गेम प्ले अगर किसी ने मिस किया हो तो कल का गेम प्ले जरूर देखना, मैं रिकमेंड करूँगा तुमको कि कल का गेम प्ले जाके जरूर देखना, क्योंकि कल का गेम प्ले काफ़ी बढ़िया था। और कल भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ सीन हुआ था, दो बंदे मतलब मैं और एक बंदा फाइट कर रहा था, और पीछे से मेरे को दूसरे बंदे ने थर्ड पार्टी करके ख़त्म कर दिया। अभी के लिए गाइस वो सब छोड़ो, हम गेम प्ले पे फोकस करते हैं। यहाँ पे गाइस मैं बस रोटेट कर रहा था, ढूंढ रहा था एक अच्छी पोजीशन, जब तक अच्छी पोजीशन ना मिलेगा बस गाड़ी घुमाते रहो, तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत मे बी फायर आ सकता है, बट बंदों से थोड़ा दूर ही रोटेट करते रहना। अभी के लिए यहाँ पे मेरे को ये पत्थर सही लगा, मैंने सोचा यहीं पे अपन होल्ड करते हैं,
और यहाँ पे उतरते मैंने स्मोक्स वगैरह कर दिए सब साइड। तो गाइस यहाँ पे हमने आराम से स्मोक कर लिए, दो तरफ से हमको कवर मिल चुका था और सामने की तरफ भी स्मोक हुआ था, वहाँ पे भी एक बंदा था शायद से, इसलिए मैं उस तरफ देख रहा था बट बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ। तो यहाँ पे बीजे की तरफ से भी कोई बंदा शायद से एकेएम चलाया था, इसलिए मैंने जितने हो सके उतने स्मोक्स यहाँ पे यूज़ कर लिए। यहाँ पे अभी बस मेरे पास दो स्मोक्स बचते हैं और सामने की तरफ जो बंदा स्मोक करके सर्वाइव कर रहा था वो बंदा मेरे को अभी स्पॉट होगा, देखना। तो बंदा जैसे स्पॉट होता है बंदे को मैंने इंस्टेंटली फिनिश कर दिया। अभी यहाँ पे जोन आना स्टार्ट हो चुका था, यहाँ पे मैंने एक और स्मोक किया, पता नहीं क्यों, यहाँ पे जरूरत नहीं थी, सिर्फ व्हीकल पे बैठ के मेरे को निकलना था, बट स्टिल मैंने स्मोक किया यहाँ पे। और यहाँ से मैं अभी रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे पोजीशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि बंदे काफ़ी सारे अलग थे और देखना हम कहाँ पे जाके होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि भाई बंदा मारा जाएगा। यहाँ पे सामने की तरफ मेरे को एक यूएस दिखाई देती है जो पार्क की हुई थी, मेरे को लगा वहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, इसलिए मैंने स्प्रे रोक लिया, बट बंदा हो जाता है फिनिश। बट सामने कोई बंदा था नहीं, जहाँ पे व्हीकल पार्क है वहाँ पे जो बंदा था उसको किसी और ही बंदे ने बहुत पहले ही मार दिया था, इसलिए मेरे ऊपर कोई फायर नहीं होता। अभी के लिए मैंने यहाँ पे स्मोक कर लिया और मैंने सोचा भाई अपनी बग्गी को अपन सेफ में लगा लेंगे, अगले रोटेशन में काम में आएगी। तो यहाँ पे बंदा भाई पता नहीं कहाँ से बैरियल का फायर लेता है और बग्गी का एक टायर पंक्चर हो गया, पीछे का टायर। अभी यहाँ पे बग्गी कुछ खास काम में नहीं थी बट स्टिल मैंने सोचा ऊपर के साइड जाएंगे, ऊपर अपन ज़्यादा सेफ है। और यहाँ पे आके मैंने कवर लगा लिया बग्गी का और उसके पीछे मैं जस्ट लेट जाता हूँ, जोन का वेट करता हूँ, जैसे जोन आएगा यहाँ से देखना कि अपन क्या करेंगे। तो यहाँ पे अभी 10 सेकंड में जोन आने वाला था और मेरी बग्गी का टायर पंक्चर था, इस बग्गी के साथ रोटेट करूँगा तो भाई मारा जाऊँगा, ये सोच के मैंने नीचे के साइड जाने का फैसला किया। नीचे की तरफ जो व्हीकल थी, जो यूएस थी, वो उठा के मैं रोटेट करूँगा, ये अभी के लिए मेरे दिमाग में था। और देखना आगे क्या होता है, लेफ्ट साइड में एक बंदा है अभी और वो मेरे को दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे लेफ्ट वाले बंदे ने काफ़ी डैमेज दे दिया मेरे को। यहाँ पे मैं कवर में आ चुका था, जोन के अंदर भी आ चुका था, सामने की तरफ एक बंदे के फुटस्टेप आते, मैंने नेड की पिन खींची यहाँ पे। और यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे तुम देखना गए, इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कोई भी एंगल नहीं है, ये बंदा मेरे को कहाँ से पता नहीं कैसे मार दिया। और इसका मैं जब केडी देखता हूँ भाई, 170 मैचेस के बाद इसका केडी है 6.5 का और इसने 13 किल किए इस वाले मैच में। और ऑल पे सुनना इस बंदे क्या बोलते हैं। ब्रो कौन से टायर पे हो ब्रो? भाई इसके 5 स्टार। हाँ मेरा भी भाई, दो दिन से 5 स्टार पे लटका हूँ। मैं तो 4 स्टार पे लटका हूँ ब्रो, प्लस नहीं मिलता है। अभी ये गया, अभी मैं वो डीपी चला रहा है ना, उसका स्पेक्टेट कर रहा हूँ। हाँ ये आगे वाला हैकर है ब्रो, आगे वाला। हाँ भाई मार दिया। कैसा? हाँ कितना प्लस मिला ब्रो? भाई 9+। तो गाइस यहाँ पे ऑल पे स्ट्रगल सुना होगा भाई रैंक पुशर्स का, भाई एक बंदा एस 5 स्टार पे 2 दिनों से फंसा हुआ है, इस वाले मैच से उसको सिर्फ 9+ मिला, ऐसी हैकर लॉबी में सर्वाइव करके टॉप 10 आके भाई उसको सिर्फ 9+ मिला। सोच सकते हो कि भाई रैंक पुशर्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। बाकी यहाँ पे हैकर भाई 16 किल्स 14 किल्स इस मैच में उसने 14 किल्स निकाले थे, 6.5 का केडिया भाई बंदे का, और वो भाई खुलेआम बंदों को मार रहा है। लास्ट का किल देखा होगा बेरियल 4x, उसको पता था कि भाई बंदा कहाँ से पिक करेगा और बंदे ने फिनिश कर दिया। सो गाइस हो सके तो रिपोर्ट करना, बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।